सादर आभार अभिनंदन। मैं शर्बानी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है द फायरिंग ओपल प्रेजेंस। तो खुद की खोज में निकल, तनवीर गाजी की लिखी हुई इस कविता को। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। जी हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन आज मैं कुछ ऐसी ही महिलाओं की रूबरू आपको कराऊंगी जिन्होंने अपने वजूद को पहचाना है अपने आत्मविश्वास से। उन्होंने माना है कि नारी केवल सरस्वती और लक्ष्मी का रूप ही नहीं, नारी में ही काली और दुर्गा भी समाहित है। सिर्फ हमारे आत्मविश्वास से उसे पहचानना जरूरी है। तो सब आइए मिल लेते हैं कुछ ऐसे ही महिलाओं से जिन्होंने अपने वजूद को पहचाना है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की। समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन आज आई हूँ कुछ ऐसी ही महिलाओं की तलाश में जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से अपने वजूद को ढूंढ निकाला। मैं अभी हूँ मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पे, जहाँ मैं मिलने वाली हूँ श्रीमती अश्विनी भुरे जी, जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत हैं और जिनको बाखूबी शस्त्र का ज्ञान है। शस्त्र के साथ वो हमारे मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पे तैनात हैं ताकि हम सब की यात्रा सुरक्षित हो, हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित यात्रा कर सकें। मिल लेते हैं अश्विनी भुरे जी से CST रेलवे। नमस्कार, मैं शर्बानी। आज मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक ऐसी ही महिला से आपकी रूबरू कराने वाली हूँ जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है और अभी ड्यूटी पे है CST मुंबई के CST स्टेशन पे, जिनका नाम है अश्विनी भुरे जी। और अश्विनी भुरे जी से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अस्त्र चलाना कैसे सीखा और इसके सामने क्या क्या दिक्कतें आई। अश्विनी भुरे जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। माझे पूर्ण नाव अश्विनी रतन भुरे, बक्कर नंबर 1700, नेमणूक CSMT रेल्वे पोलीस ठाणे, आणि मी स्टेशन ड्युटीला काम करत असते। स्टेशन ड्युटीला काम करणे म्हणजे जसं एखाद्या आलेल्या जखमीला हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवणे, AD झाली असेल, बॉडी झाली असेल तर डॉक्टरांचे मार्गदर्शन घेऊन त्यांना त्यांच्या परिवारापर्यंत पोहोचवून देणे, स्टेशन ड्युटीला आलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या अडचणी सोडवणे, प्रवाशांची मदत करणे, हे काम मी माननीय CP सर, DCP सर आणि आमच्या पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री भगत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोखपणे पार पाडत असते। अच्छा, ये आपके हाथ में मैं एक वेपन देख रही हूँ और ये स्टेन गन, इसको स्टेन गन ही बोलते हैं, और इसको बहुत भारी है, मुझे दूर से ही लग रहा है और मैंने सुना है इसको चलाने में भी बैक फोर्स आता है। तो आपका जो काम मैंने आज तक सिर्फ पुरुषों को देखा है वो आपके हाथ में देख रही हूँ, वो गन आपके हाथ में देख रही हूँ। तो आपको कब लगा कि हम ये कर सकते हैं, हम भी ये चला सकते हैं? जेव्हा पोलीस भरतीमध्ये भरती झालो आम्ही, त्यावेळेसच आम्हाला वेपन चालवण्याची पूर्णपणे ट्रेनिंग दिली गेली आणि ट्रेनिंग संपेपर्यंत आम्ही वेपन व्यवस्थितपणे हाताळू शकलो। त्यानंतर पोलीस स्टेशनला आल्यावर स्टेशन ड्युटीला येणाऱ्या अडचणी किंवा जागरूक राहून कशा पद्धतीने आपण ड्युटी करू शकतो, मतलब दुसरी को संभालने के लिए तो आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ही उसी तरह से ही दूसरे को हेल्प करती हैं जिस तरह से हमारे
कर्मचारी हेल्प करते हैं, सामने आते हैं और आपके इस अस्त्र के साथ भी सामने आते हैं। तो अच्छा, एक बात आपसे जानना है कि आपको यहाँ तक पहुँचने किन किन कठिनाइयों का सामना? यहाँ तक पहुँचने के लिए घर संभाल कर आना और घर की पूरी जिम्मेदारी है, ऑफिस में आने के बाद में ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी है, ये दोनों जिम्मेदारी बैलेंस करके आगे बढ़ना, क्या आगे बढ़ना होता है। और ड्यूटी पे आने के बाद में अलग स्ट्रेस, घर का अलग स्ट्रेस, दोनों बैलेंस। हाँ, क्योंकि लड़कियों के लिए दोनों फील्ड ही बराबर के, दोनों फील्ड में ही हम बराबर काम करते हैं, तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन है वो दोनों फील्ड में ही बराबर होना चाहिए। आप घर पे ऑफिस का टेंशन नहीं लेके जा सकते और ऑफिस में घर का टेंशन नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही। आज के महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस पर हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? हर एक महिला अपने आप में सक्षम होती है। बिल्कुल, सिर्फ सक्षम है ये उन्होंने खुद में पहचानना चाहिए। खुद पहचान के हम कोई भी फील्ड में बराबर काम कर सकते हैं, इसकी जानी पूर्वक जानी उनको होना चाहिए। बिल्कुल सर। और कोई भी काम किया जाए तो आसान है, कोई भी काम ऐसा बोल नहीं सकते कि हार्ड है या सॉफ्ट है, कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए खुद सक्षम होके उसकी जानी आत्मविश्वास। हाँ, आत्मविश्वास कहने का मतलब है कि हर इंसान में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास आपको कहाँ से कहाँ जा सकती है। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपने हमें इतना टाइम देना, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने 2 मिनट का हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि एक महिला कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी जो कि घर और बाहर दोनों ही बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस कर रही है और हमारी मदद के लिए हमेशा अलर्ट है, हमेशा जागरूक है कि हम कहीं मुसीबत में ना हो। इसलिए हम आज सुरक्षित हैं क्योंकि ये है, हम आज खुश हैं क्योंकि हमारे साथ ये है। तो हम हर महिला पुलिस को सल्यूट करते हैं, आपको भी सल्यूट करते हैं कि आपका काम हमारे लिए एक सेवा है और आप सच में आप लोग ही हैं जो हमारी सेवा करते हैं और हम आपकी वजह से ही हैं। तो हमें सारी महिलाओं को इसी तरह से एक अलर्ट रहना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट मिलते हैं किसी ऐसी महिला से जो हमारे इस तरह से सीखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नमस्कार, मैं शेरबानी, आज मैं हूँ कांदीवली ऑटो स्टेशन और हमारे साथ है रोशनी जो कि ऑटो चलाती है, जहाँ पे अधिकतर गाड़ियों में भी वर्क किया जाता है कि स्कूटी लड़कियों की है और ये लड़के चला सकते हैं, इसका वर्क किया जाता है। वहाँ पे एक लड़की ऑटो ड्राइवर है और हम सबको पीछे बिठा के लेके जाती है और हम सब सुरक्षित रहते हैं। तो आइए मिलते हैं रोशनी से, रोशनी अपना परिचय बताइए। रोशनी आप अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज अमीना बाग, आई लिव इन कांदीवली एंड माय फादर नेम इज सिराजुद्दीन अंसारी और मेरा 10th कंप्लीट हुआ है और मैं ऑटो चलाती हूँ। स्टार्टिंग में तकलीफ हुई थी बट अभी नॉर्मल है। ओके, तो आप मीन्स आप 10th तक पढ़े हो है ना, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई इसकी वजह से आपने ये ऑटो चलाना स्टार्ट किया, तो आपको कब लगा? जो गाड़ियाँ हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ पे स्टैंड पे सिर्फ जेंट्स से मिलते हैं, लड़कियाँ बहुत कम मिलती है,
तो आपको कब लगा कि आप ये काम कर सकते हो, यानी कि ऑटो चला सकते हो, और आपने खुद के अंदर से ही उस नारी को निकाला है जहाँ पे एक नारी शक्ति का रूप है? जी बताइए, आपको कैसा लगा, कैसे आया कि आप ये ऑटो भी चला सकते हैं? पापा को सपोर्ट कर रही हूँ मैं अपने, क्योंकि पापा अकेले हैं, 7 लोग को संभालते हैं, तो अभी उम्र भी हो रही है जी जी। तो सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, तो घर में अभी सबके भी लोग बड़े हैं, भाई छोटे हैं, तो इसलिए पापा को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। यानी कि आप घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए एक लड़के की तरह आप पापा के साथ रहते हैं। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हो, स्टैंड पे आते हो और गाड़ी चलाते हो, यहाँ पे आपको हर तरह की पब्लिक मिलती है, हर तरह की सवारियाँ मिलती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरे, तो आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में हुई थी थोड़ी बहुत तकलीफ थी, कभी कभी कोई पैसेंजर को बिठाते हैं तो वो बोलते कि इधर नहीं उधर छोड़ो, जाना कहीं और रहता है, लेकर कहीं और जाते हैं, और जब उसका मीटर सही मतलब पैसा उतना आता है तो कभी कभी कम दे देते हैं, बोलते कि नहीं तुम गलत छोड़ी हो, ये वो, तो इसमें बहुत सारे। हाँ, ये तो हमारा सबका एक ही है, सामना करते हुए भी ये लड़की अपने ही आत्मविश्वास से, अपने विश्वास से आगे बढ़ते जा रही है। अच्छा, आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे मतलब वैसे तो लड़कियों के लिए किसी एक दिन के लिए, एक दिन में ही बांधना या एक दिन के फ्रेम में बांधना उचित नहीं है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन आप हमारे वुमेंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने अंदर छुपे हुए कला को बाहर निकालिए, पूरे वर्ल्ड में दिखाइए कि हमारे अंदर क्या कला है, हम लड़कों से बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू रोशनी, जो आपने इतने भीड़ भाड़ और इतने मतलब इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमें अपने 2 मिनट का टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हम आप जो हमारी सेवा करते हैं, इसके लिए हम आप सबको सल्यूट करते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीक। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चलते चलते मैं पहुंच गई हूं कांदीवली के चेक नाके पे, जहां मैं मिलने वाली हूं ऐसे ही एक महिला योद्धा से, जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। उनका नाम है कांस्टेबल भाग्यश्री संजय चक्ता, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही 12 लाख से भी ऊपर तस्करी के माल पकड़े, कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। आइए मिल लेते हैं श्रीमती भाग्यश्री संजय चक्ता जी से। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। जी हाँ, ये भूकंप आ गया है, और आज हमारे साथ है भाग्यश्री, पुलिस कांस्टेबल भाग्यश्री जी, जो कि हमारे मुंबई के कांदीवली ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत है, और हमारे मुंबई के ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो हम इन्हीं से सुनेंगे। पहले तो इनसे इनका परिचय पूछ लेते हैं। भाग्यश्री जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भाग्यश्री संजय जगताप है, मैं 2002 साल से मैं ट्रैफिक पुलिस में काम करती हूँ। 2012 में मैंने पुलिस भर्ती का पुलिस भर्ती में मैं ज्वाइन हुई हूँ, और उसके बाद में शोलापुर शहर में मैं भर्ती हुई हूँ। उसके बाद में 2015 में बॉम्बे शहर आई हूँ। तो मुंबई में आके आप तब से यहीं पे जॉब कर रही है, यहीं पे ट्रैफिक? 2015 से मैम मैं यहाँ पे मुख्यालय पे LA4 में थी जी। और 2019 में मेरा ट्रांसफर कांदीवली ट्रैफिक में हो गया है, कांदीवली ट्रैफिक में हो गया है। और एक्चुअली क्या है, आप मतलब मुंबई के जो ट्रैफिक है, हम सभी उनसे वाकिफ है, और सभी जानते हैं यहाँ के धूप बरसात और यहाँ का ट्रैफिक कितना ज्यादा है, कितना ओवर है, और उसको आप हैंडल करते हैं धूप में खड़े होके, क्योंकि हमारे सबकी एक मेंटालिटी होती है कि जो लेडीज होती है, वुमेन्स होती है, बहुत सॉफ्ट होती है,
पर आपने उस विचार को बदल के रख दिया है। आप उसी धूप में खड़ी होती हैं और आपको इसके लिए कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती है, नेचुरल मेकअप आपका काम करता है उस वक्त। तो आप कब सोचा कि आप इस पे ट्रैफिक पुलिस में आप ज्वाइन करेंगे? मैडम ऐसा होता है कि जब हम लोग शुरुआत में हम लोग जब भर्ती होते हैं तभी 9 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी से मन में देश की सेवा करने का एक साहस मतलब उत्साह प्रोत्साहन मन से आत्मविश्वास एक बढ़ जाता है, तभी से जो भी ड्यूटी है वो करना ही करना है ये मन में हम लोगों ने ठान ही रखा है। जब भी सुबह उठते हैं तो उठने के बाद एक ही देश की सेवा करना है और इसीलिए हम लोग घर से निकल पड़ते हैं। क्या बात, फिर क्या वो धूप रहने दो, बरसात रहने दो, फिर चाहे जो भी मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो लगन है वो आपकी नेचुरल ब्यूटी में उतर के आता है। यस। तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपने 12.5 लाख का गुटखा पकड़ा है, उसके लिए आपको बहुत जगह पे सम्मान भी दिया गया है, तो इसके लिए आपको पता है कितनी सारी दिक्कतें आती है वो, हाँ कितनी ट्रेनिंग मिलती है, क्या क्या होता है, महिलाओं को तो लोग और भी लेते हैं आड़े हाथे, लेकिन आप बताइए कि आपको ये ट्रैफिक पुलिस में आने के बाद और ये सब कारनामे करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? पहली बात ये कि मैडम उस दिन जो हुआ था जी, मैं काम पर थी और मेरा टाइम हो गया था घर पे निकलने का, 3 बज रहे थे, तो 2:30 के बीच में मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी थी, तभी एक टेम्पो आ गया था, वो भी रुका था वहां पे, तो उसका पीछे का नंबर प्लेट नहीं था, मैं उधर ही ट्रैफिक निकाल रही थी। मैंने उसको पूछा कि अरे नंबर प्लेट नहीं है तेरे गाड़ी का, तो उसने बोला कि हाँ नहीं है ऐसा वैसा, तो मैंने बोला कि तेरा लाइसेंस दिखा, तो उन्होंने बोला कि लाइसेंस नहीं है मेरे पास, मैंने बोला कि तू साइड में गाड़ी लगा क्योंकि ये सिग्नल छूटने वाला था, साइड में लगा मैं तुझे फाइन मारूंगी और छोड़ दूंगी, तो साइड वो नहीं ले रहा था, टेम्पो साइड में नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको कैसे ही करके साइड में लिया, तो उसके साथ एक लड़का था। अच्छा। तो वो भाग गया रुकने के साइड में, टेम्पो लेने के बाद वो भाग गया, इसलिए मैंने पूछा उसको कि कहाँ गया वो, तो उसने बोला कि मैडम वॉशरूम गया होगा, तो मैं बोली कि ठीक है चलो वो आएगा ना तभी मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैंने उसको फाइन भी मारा था। अच्छा। और नंबर प्लेट का भी मारा था और इसका भी लाइसेंस का भी। जी। तो आधा घंटा हो गया, 45 मिनट भी हो गए, वो नहीं आया। मैंने पूछा उसको कि क्या है गाड़ी में, तो उसने बोला कि खाली है गाड़ी। मैंने बोला कि खाली है तो दिखा मुझे, वो अभी तक नहीं आया। तो वो बोला कि मना कर रहा था वो गाड़ी दिखाने के लिए। अच्छा। तो मैंने पूछा कि वो मना करने के बाद मैंने खुद से ही डोर उसका खोला, ऐसे बांधा था उसने, डोरी से बांधा था। खोलने के बाद बहुत सारी गोली दिखाई दिया मुझे और अंदर से स्मेल आ रहा था, तभी मैंने सोचा कि ये गाड़ी गुटखा का है। मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल दिया और उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल किया, उसके बाद मेरे कांजूरी के ट्रैफिक जो सीनियर है बाला साहेब कंतर उनको कॉल किया और मैंने गाड़ी वो गाड़ी में बैठ के मैं ड्राइवर के साथ मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। क्या बात ये साहस। और उसके बाद जो सम्मान हुआ तो मुझे और भी प्रेरणा मिली कि मैं कर सकती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है क्योंकि पहले तो आपको खुद का ही साहस ना, आपने खुद तय किया, खुद में आत्मविश्वास जगाया, नहीं तो वो तो आपके हाथ से भाग भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर आपने उसको खोल के देखा, इतने सारे काम पहले आपने खुद किया, यानी कि अपने अंदर का आत्मविश्वास पहले जगाना पड़ता है, फिर दूसरे से तो ऐसा होता है कि करने अगोदर अपन करू शकतो कि नहीं, पण सिच्युएशन अशी आली की आपण ते करू शकतो, एक लेडीज असो किंवा जेंट्स असो ते आपण करू शकतो, तो कॉन्फिडन्स आपल्यामध्ये येतो। हाँ, अपने आप ही आ जाता है कि एक तो आपको सलूट करना चाहिए कि जो गुटखा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, आप सभी को पता है गुटखा बैन है गवर्नमेंट की साइड से, फिर भी भाग्यश्री जी ने उसको ढूंढ के निकाला है, और सबसे बड़ी बात है उन दोनों से लड़के आपस में उन्होंने वहां पे दो ही लेडीज कांस्टेबल थी जिन्होंने यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है और माल सारे जब्त किए हैं। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च, तो आप हमारे वुमेन्स को क्या सलाह देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? एक तो मैं यही बोलूंगी किसी लेडीज को पीछे नहीं रहना चाहिए, सब लोग पहले ऐसा था कि मराठी में वो कहावत है चूल और मूल, हाँ हाँ, तो वो अभी सब बदल गया है और सब लोग एक जैसे एक समान है, तो किसी लेडीज को डरना नहीं है, मुंबई अपना बहुत सेफ सिटी है, तो डरना नहीं है और किसी काम के लिए पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है कि किसी काम के लिए पीछे नहीं हटना है जो आपके सामने आता है, और जैसे भी परिस्थिति आती है पहले अपने आत्मविश्वास से उसका सामना करिए। बाकी हेल्प के लिए तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतने भीड़ भाड़ टाइम पे भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के दिया। थैंक यू भाग्यश्री, थैंक यू। आप हमारी इतनी सेवा करती हैं तभी हम आज ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, बहुत सी जगह पे होती है, आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच एंड ग्रैंड सैल्यूट। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी बेड़िया समझना उनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना उनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघला कर बना ले इनका अस्त्र तू, बना ले इनका अस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।